Just like mountains full of snow is one of the most attractive, similarly, ice cream is also one of the most tempting thing in this world. It's well said, health is wealth. So when it comes to our taste, why not to try something healthy? Hi dosto, aaj hum banane ja rahe hain ek healthy dessert, which is our protein ice cream, which is full of protein. Isme koi artificial sugar nahi hai. It is natural full of protein only. So let's start with that. So हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हैं पहले मैं आपको ये बता दूं. पहली आइटम है हमारी प्रोटीन बार हमने ली है तो इसे हम 1.5 से 2 प्रोटीन बार भी ले सकते हैं साथ में. और दूसरा मैंने लिया है हमारा प्रोटीन विच इज चॉकलेट फ्लेवर लिया है मैंने आइसोपेयर का. सो हम ये है हमारी दूसरा इंग्रेडिएंट और हम लेंगे साथ में मिल्क लेंगे और बाद में आइसक्रीम के ऊपर गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे काजू का टुकड़ा जो है और एक हम खाली बर्तन और एक सर्विंग स्पून यूज़ करेंगे साथ में. सो आइए हम बनाते हैं प्रोटीन आइसक्रीम. पहले हम डालेंगे प्रोटीन पाउडर. हम अपना मिक्सी ग्राइंडर यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम डालेंगे दूसरी आइटम है हमारी प्रोटीन. हम प्रोटीन आइसक्रीम के छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं पहले किसी ट्रे में और फिर हम इसे पीसेस को डालेंगे हम अपने मिक्सी में. सो हम इसे डाल रहे हैं मिक्सी में. अब इसमें हमने डाल दिया है प्रोटीन पाउडर है और हमारा प्रोटीन बार है. अब हम डालेंगे मिल्क. मिल्क हमें अप्रोक्सीमेटली 1 कप तो अभी डालना ही है. कम से कम 1 कप तो मिनिमम डलेगा ही डलेगा, बाकी हम बाद में रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालेंगे. सो अब हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स अंदर डाल के अब हम ऑन कर देंगे अपनी मिक्सी को ताकि अच्छे से सो ये हमारा तैयार हो गया है पेस्ट. अब इस प्रोटीन पेस्ट को हम एक बाउल में निकाल के अच्छे से इसको हम निकाल लेंगे. ये हमारा जो पेस्ट बन गया है हम इसके अंदर हल्का सा अभी ज़्यादा नहीं डालते काजू का टुकड़ा हम डाल रहे हैं ताकि ये जम जाए इसमें और क्रिस्पीनेस आ जाए. बाकी हम ऊपर काजू का टुकड़ा तब डालेंगे जब ये फ्रिजर में रखने के बाद अच्छे से फ्रीज होके जम जाएगा और आइसक्रीम के फॉर्म में नजर आएगा. अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे. नाउ द प्रोटीन आइसक्रीम इज रेडी टू ईट. So it's a great option for your protein meal. It's healthy, it keeps you fit, and of course it's full of protein. And it's one of the best post-workout meals.